नेक्स्ट क्वेश्चन टू बॉडीज ऑफ मास 10 के जी एंड 5 के जी मूविंग इन कॉन्सेंट्रेट ऑर्बिट ऑफ रेडिया कैपिटल आर एंड स्मॉल आर सच दैट देयर टाइम पीरियड्स आर सेम देन द रेशो बिटवीन देयर सेंट्रिपिटल एक्सोलेशन विल बी हमें यहाँ पे बताना है दो पार्टिकल है पाँच किलो दस किलो के जो कॉन्सेंट्रेट सर्कल में घूम रहे हैं एक का रेडियस कैपिटल आर है दूसरे का स्मॉल आर है उनका सेंट्रिपिटल एक्सोलेशन के बीच में क्या रिलेशन होएगा या क्या रेशो होएगा नाउ एज वी नो सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर और इसको क्योंकि टाइम पीरियड के टर्म में हमें लिखना है वो दिया हुआ है यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू टू पाई डिवाइड बाय टी स्क्वायर आर यानी कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर नाउ इस केस में हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन ऑफ ए डिवाइड बाई सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय आर बी मल्टीप्लाइड बाय टी बी का स्क्वायर डिवाइड बाय टी ए का स्क्वायर नाउ अपने को इस सवाल में ये दिया हुआ है इट इज़ गिवन कि दिस की वैल्यू वन है टी ए और टी बी टाइम पीरियड दोनों के बराबर हैं उस केस में रेशो जो अपने को रिक्वायर्ड रेशो है आर ए डिवाइडेड बाई आर बी वो हो गया कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह है सकते हैं ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर